हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से यस टाइप करके बता दीजिए ताकि हम हमारा सेशन यहाँ पर मैं स्टार्ट कर सकें। मैं भी यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो। ओके, चलिए आवाज़ आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज हमारी जो क्लास है उसको हमने रिवीजन क्लास नाम दिया है। आप लोग अगर साइंस, सोशल साइंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, वहाँ भी मैंने ऐसी ही क्लास ली है। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे बच्चों की मेल्स और फ़ोन कॉल रिसीव हुई, उसमें उन्होंने बताया कि सर प्लीज़ आप थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दो ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी है वो एक बार वापस से रिकलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, जिनको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है जो उनको ना आता हो, तो वो ये क्लास स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि रिवीजन ज़रूरी है, उन लोगों के लिए ये क्लास है, वो क्लास को पूरा देखे। इसमें फ्रेंड्स, अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उसमें से मैंने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। वैसे मेरे लिए बहुत टफ काम था 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं ऐसी ही और क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैंने 20 क्वेश्चंस आज पार्ट वन के लिए सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की जो लिंक है उसको शेयर कीजिए। ठीक है, हम टारगेट रखते हैं फ्रेंड्स कि आज हमारे साथ में यहाँ पर मैं 200 पीपल जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए। ओके, तो ये हमारा टारगेट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सके। बिल्कुल, चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पर मैं कि रिवीजन ज़रूरी है। बिल्कुल हाँ, मैं भी ये समझता हूँ फ्रेंड्स कि रिवीजन ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मैं रिवीजन ले रहे हैं। हेलो मोइना जी, प्रकाश द्विवेदी जी, हेलो पूजा गंगवार जी, हेलो सभी को, हेलो गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा सेशन यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी मैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज जो प्रमोशनल स्लाइड्स है वो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आज का हमारा सेशन बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है, क्योंकि 20 क्वेश्चन और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में रहेगा। इसीलिए मैं डायरेक्टली आज हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं जंप कर रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन जुलाई 2019 का है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। आप लोग एक मिनट का थोड़ा सा पेशेंस रखिए फ्रेंड्स, आप एक मिनट बाद समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं। ओके, बस एक मिनट आप लोग इंतजार कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर मैं आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है यहां पर मैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी। अरब सागर पर कौन से राज्यों की सीमाएं लगती है, ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल तहसीन नाजी, ऐसे ही और अच्छा, तहसीन नाजी ने 250 लोगों को सेंड कर दिया है। चलिए देखते हैं कितने लोग आते हैं यहाँ पर में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पर जितने भी राज्य आते हैं वो आप लोगों को पता होने ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ साथ में आप लोग रिवाइज करते चलिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन अभी स्क्रीन पर रखना, कुछ भी टाइप मत करना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर में गुजरात जो है वो अरेबियन सी के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, यहाँ पर मैं कोस्ट है इसका। फिर है यहाँ पर मैं महाराष्ट्र, चलिए मैं थोड़ा सा पॉइंटर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं है महाराष्ट्र, ये भी अरेबियन सी के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद यहाँ पर मैं गोवा है, ये आपको याद रखना है। कई बार लोग गोवा छोड़ देते हैं, उनको लगता है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक छोटा सा गोवा भी है, गोवा को कैसे भूल सकते हो यार। ठीक है, तो फ्रेंड्स गोवा आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं गोवा है, फिर कर्नाटक, फिर केरला। ओके, और फिर यहाँ पर मैं देखिए तमिलनाडु भी है। ठीक है, छोटी सी बाउंड्री तमिलनाडु के साथ में भी लगती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद में बे ऑफ बंगाल का भी याद रखिए, बे ऑफ बंगाल ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलेगा, ध्यान से देखिए मेरे साथ साथ में। वेस्ट बंगाल ऊपर में है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पर मैं, उसके बाद में देखिए ये है उड़ीसा के, ये बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उड़ीसा, कई लोग उड़ीसा को भूल जाते हैं, उड़ीसा आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद में बारी आती है आंध्र प्रदेश की। अब तेलंगाना बाउंड्री शेयर नहीं करता क्योंकि तेलंगाना अलग हो गया, ये पुराना मैप है फ्रेंड्स। आई थिंक तेलंगाना यहाँ पर में है। ठीक है, तेलंगाना यहाँ पर में है, तो तेलंगाना बे ऑफ बंगाल के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बे ऑफ तेलंगाना लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, तमिलनाडु शेयर करता है, और एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी फ्रेंड्स यहाँ पर में ये है पौंडीचेरी, ये भी बाउंड्री शेयर करती है बे ऑफ बंगाल के साथ में, ये आप लोगों को याद रखना है। एक बार रिवाइज कर ले जल्दी जल्दी से ताकि एक मार्क्स आपका जाना नहीं चाहिए। वेस्ट बंगाल याद रख लो,
ठीक है, उड़ीसा याद रख लो, आंध्र प्रदेश याद रख लो, ठीक है, तमिलनाडु याद रख लो, पौंडीचेरी याद रख लो, ठीक है, ये कभी भी आप लोगों को भूलना नहीं है। उसके बाद में दो तीन चीज़ और याद रखो, लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी के अंदर में है, लिख लो कहीं तो भी, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है, और अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, दोनों में फर्क पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री। जितने भी लोगों ने थ्री आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ये सॉरी अरेबियन सी के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो यहां पर में कौन कौन से हैं इन ग्रुप में से, केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। एक सरप्राइज क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, ये सरप्राइज क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखते कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते, कितने लोगों ने अभी पिछली स्लाइड बहुत ध्यान से देखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज कोस्ट ऑन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के साथ में कितने राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, देखते कितने लोग सही आंसर देंगे इसका। कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी शेयर भी करते रहिए फ्रेंड्स, शेयर और लाइक करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए मेरे पास में आंसर आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर में देखा है कि कौन कौन से राज्य हैं जो बे ऑफ बंगाल के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी ऑब्वियसली, और तमिलनाडु, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप देखिए, केरल को आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये अरेबियन सी के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर में भी देखिए, केरल है, ठीक है, केरल भी बे ऑफ बंगाल के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो केरल को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, लेकिन यहाँ कर्नाटक आ गया है, तो कर्नाटक को भी हमको यहाँ पर में एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कर्नाटक को एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो पहले तीन ऑप्शन तो गए, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, ऑप्शन आंसर फोर हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भी बे ऑफ बंगाल के साथ में करता है, उड़ीसा भी करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप लोग देख रहे हो कि जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2016 का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट करके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कम से कम फ्रेंड्स मुझे आप लोगों के एग्जाम में चार क्वेश्चन दिखाई दिए, जिसमें से मैंने दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए, तो चार क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं बर्ड्स के ऊपर में, जिसमें से मैं दो क्वेश्चन अभी आपको करवा दूंगा, तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थोन्स ऑफ कैक्टस प्लांट, बताइए जल्दी से कौन सा बर्ड है वो जो कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ओके, चलिए आंसर आने स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं बता देता हूँ, और एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अपना स्कोर जो है वो नोट डाउन करके रखेंगे कि आपका स्कोर कितना है। मैं टोटल 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप लास्ट में मुझे बताना कि आपके 20 में से कितने आए हैं, ठीक है, कितने भी आ सकते हैं आपके, 18, 19, 20, 15, 10, कितने भी सही हो सकते हैं। और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो क्या कीजिए, वो लोग कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा उसका आंसर लिख दीजिए वहां पर मैं जाके फट से, ओके, फिर दूसरा आपने देखा तो आंसर आने के पहले ही जाके वहां पर में लिख दीजिए, ताकि आप लोगों का आंसर लॉक हो जाए और आपको आपका एक्चुअल रिजल्ट पता चल सके कि आपने कितने सच में सही किए हैं आंसर बताने के पहले। ओके, तो बर्ड्स और देयर लिविंग्स के बारे में फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। पहली बर्ड है फ्रेंड बुलबुल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि अपना घोंसला बनाने के लिए बुशेस और ड्राइड ग्रास, ठीक है, मतलब इस तरीके की सूखी हुई घास का इस्तेमाल करती है, ये है बुलबुल, ठीक है, बुलबुल बर्ड सूखी सूखी घास का इस्तेमाल करती है। रॉबिन नाम की एक चिड़िया होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, जो कि मुलायम ट्विग्स, जो बहुत मुलायम सी टहनियाँ होती है ना, आप देखिए बहुत पतली पतली सी टहनियाँ हैं, मुलायम मुलायम टहनियाँ, जड़े होती है मुलायम सी, बाल होते हैं या फिर कॉटन होता है, कपास, घास, इसको जमा करके इस तरीके से अपना घोंसला बनाती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैं देख पा रहे होंगे, ये है रॉबिन बर्ड, ठीक है। तो रॉबिन बर्ड सॉफ्ट ट्विग्स, जहाँ भी आपको मुलायम टहनियाँ या सॉफ्ट ट्विग्स दिख गया
तो आप क्या लगाओगे? रॉबिन, ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, अगर से इतने सॉफ्ट चीज़ों का इस्तेमाल करती है तो ऑब्वियसली इसका जो नेस्ट है, जो इसका घोंसला है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो कभी किसी को नींद ना आ रही हो तो इसके घोंसले में जाकर सो जाना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो मतलब कौआ। कौआ जो है फ्रेंड्स क्या करता है, वायर का, ठीक है, वुड का, ग्रास का या फिर टहनियों का इस्तेमाल करके बहुत ही ऊंचाई पर जाकर अपना घोंसला बनाता है। आप देखिए यहाँ पर में जो कौआ है वो क्या करता है, बहुत ही ऊंचाई पर जाकर अपना घोंसला बनाता है। तो कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा पक्षी है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर आप अपना पक्ष अपना सॉरी अपना घोंसला बनाता है, तो उसका नाम क्या है? क्रो है, कौआ। ये आप लोगों को याद रखना है। अभी मैं थोड़ी देर में चेक करूंगा कि कितने लोगों ने इसको नोट डाउन किया है कॉपी में या फिर माइंड में, ठीक है, थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। उसके बाद में कोयल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कोयल या फिर जो कक्कू होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती। थ्री इडियट्स मूवी में पहले भी मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दे चुका हूँ, है ना, जब मैंने पहले लाइव सेशन लिया था उसमें बताया था कि थ्री इडियट्स मूवी के अंदर में हमें बताया गया है कि कोयल जो पक्षी है अपना घोंसला कभी नहीं बनाता। वो क्या करता है, वो कौवे के घोंसले में जाकर अपने अंडे दे देता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो कौवे के घोंसले में आकर या क्रो के घोंसले में आकर अपना अंडा देता है। या इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोच के बताइए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो कोयल है, कोयल बर्ड या कक्कू है, ये कौन किस पक्षी के घोंसले में जाकर अपने अंडे देता है। तो आपको याद होना चाहिए ये जाता है कौवे के घोंसले में जाकर अपने अंडे देता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद में डॉ, ठीक है, फाख्ता नाम का एक बर्ड होता है, वो क्या करता है, द डॉ बर्ग मेक्स इट्स नेस्ट अमंग थोन्स ऑफ द कैक्टस प्लांट। यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है डॉ बर्ड। डॉ आई थिंक शायद साबुन भी आती है ना, हाँ, एड में कहीं तो भी आप लोगों ने भी देखा होगा, मुझे जहाँ तक याद है साबुन आती है, एक सोप आती है, डॉ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, ये कांटों के बीच में जाकर अपना घोंसला बनाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये कैक्टस है, कैक्टस के बीच में जाकर इसने अपना घोंसला बनाया। यहाँ पर मैं अंडे दिया, यहाँ पर मैं ही उसके बच्चे हुए हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब देखते हैं कितने लोगों को याद है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों में अपना घोंसला बनाता है, बताओ जल्दी से, अभी बताया मैंने। जितने भी लोगों ने आंसर नहीं किया अब आंसर कर देना और शेयर भी करते रहिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हमारा टारगेट आज पूरा करना है हमें। जल्दी जल्दी शेयर करते रहिए, 200 लोग जुड़ने चाहिए आज हमारे साथ, क्योंकि हम बहुत लंबा लाइव सेशन लेने वाले हैं। मैंने 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाला है आज, लाइक बहुत कम है। चलिए तो फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि कैक्टस के पौधे के बीच में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। उस पक्षी का नाम है फ्रेंड्स फाख्ता या फिर डव, हिंदी में भी याद रखो, हिंदी में भी याद होना चाहिए, जो भी लोग हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से देखा है। अ बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, दिस बर्ड कुड बी, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी कौन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 और आपका आंसर ए बी सी डी जो भी है वो लिखना इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4 लिखकर मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। यहां पर मैं कम ऑन फास्ट, देखते कितने लोग यहां पर मैं सही आंसर देते हैं। ग्लॉक्सियाना, ग्लॉक्सियाना रोज शेयर करते हैं, थैंक यू ग्लॉक्सियाना जी। ओके चलिए गुड, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं फ्रेंड्स, 333 मैं पढ़ भी नहीं पाया, इतने सारे लोगों ने आंसर दे दिया। मैं नाम ना पढ़ पाऊँ ना तो डिमोटिवेट नहीं होना, ऐसा समझना कि आपने खुद को आंसर दिया और खुद थोड़ा सा प्राउड फील कर लेना, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया फ्रेंड कि जो कौआ है, ठीक है, क्रो पक्षी, ओके, ये क्या करता है, ये बहुत ऊंचाई पर जाकर अपना घोंसला बनाता है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना उसी में से क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी ऊपर नीचे फालतू की इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल पिन टू द पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आपको पढ़ाया जा रहा है। आप यहां देख सकते हो ये जो भी मैंने आपको पक्षी बताया ना, आप देख लेना कि सिर्फ इन्हीं पक्षियों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई भी पक्षी से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये मैं आप लोगों को श्योरिटी दे सकता हूं। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कौआ, क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसी इसी कंसेप्ट के ऊपर में बेस्ड 2019 में, ठीक है, पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब पेपर 1 का कंसेप्ट और क्वेश्चन पूछ लिया गया पेपर 2 में,
तो कितनी अच्छी बात है। थैंक यू तहसीन जी। वॉट इज दैट सी, मृत सागर क्या है? कम ऑन फास्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं फ्रेंड्स, कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करो, सभी लोग आंसर करना है और नोट्स बनाते जाना है। ओके तो फ्रेंड्स यहां पर मैं, देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका है कि आपको डेड सी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स डेड सी, डेड सी मृत सागर है क्या? तो जितने भी सागर या महासागर है हमारे दुनिया के अंदर में, उसमें से फ्रेंड्स सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर या सबसे ज्यादा नमकीन पानी कहां पर में है? सबसे ज्यादा नमकीन पानी जो है फ्रेंड्स वो डेड सी के अंदर में है, ठीक है? ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा नमकीन पानी कहां पर में है, मृत सागर के अंदर में। अब फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है कि जितना ज्यादा इसके अंदर में नमक रहेगा, जितना ज्यादा ये डेंस रहेगा नमक से, उतना ज्यादा आसानी से आप इसके ऊपर में तैर सकोगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स डेड सी के अंदर में होता क्या है कि बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा डेंस है ये, इस वजह से अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तो भी आप इसके अंदर में नहीं डूबोगे। तो कभी अगर से मुझे सुसाइड करने की इच्छा हुई ना, तो मैं डेड सी में जाकर करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं मरने तो वाला हूँ नहीं, मैं डूबूंगा ही नहीं, तो मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएंगी और मैं मरूंगा भी नहीं, ठीक है? तो फ्रेंड्स डेड सी के अंदर में आप नहीं डूब सकते, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप इन भाई साहब की तरह जाकर डेड सी के ऊपर में भी इस तरीके से पढ़ सकते हो। एक चीज और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि डेड सी का मतलब सैलिनिटी कितनी है। 1 लीटर अगर आपने पानी लिया तो उसमें आपको 300 ग्राम सॉल्ट मिलेगा। ये नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए, ठीक है? 1 लीटर पानी के अंदर में 300 ग्राम नमक, ठीक है? चलिए, आपके टूथपेस्ट में नमक होना हो, आपके पानी में नमक जरूर मिल जाएगा डेड सी के। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, कम ऑन फास्ट। मैंने पूरी कोशिश की है मेरे तरफ से कि आपको जितना फनी वे में समझा सकूं, मैंने पूरा कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फनी वे पसंद आएगा और आप लोग इसको एटलीस्ट याद रखोगे। गुड, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2, जितने भी लोगों ने 2 आंसर किया बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों से जुलाई 2019, अभी बिल्कुल फ्रेश, ठीक है? फ्रेश क्वेश्चन है जुलाई 2019 का, सोशल साइंस का जो पेपर होता है, पेपर 2 के अंदर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी बिकॉज, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं, क्वेश्चन ही गलत है, तैराक या जो नहीं भी तैर सकता वो भी इसमें नहीं डूबेगा, वो भी तैर लेगा आराम से। तो मृत सागर में ऐसा क्या है कि सब लोग वहाँ पर में स्विम कर लेते हैं, ये बताइए जल्दी से। थैंक यू प्रिया सिंह जी वीडियो लाइक करने के लिए। गुड, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स द सी डेंस, नमक की मात्रा की अधिकता के कारण जो सागर है वो सघन बन जाता है, जिसकी वजह से आप इसके अंदर में आसानी से तैर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं, सॉल्ट कंटेंट जो है वो इंक्रीज होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है? तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर मैं किया है वो बिल्कुल सही है। थैंक यू मोहम्मद इनायतुल्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके अब तक एग्जाम में, 2 क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, 2 क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना, बैक टू बैक सेम कंसेप्ट के ऊपर में 2 अलग अलग साल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दिसंबर 2019 में भी आ सकता है। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मडी वाटर एज इट कीप्स देयर स्किन कूल, हाथी गदले पानी में खेलते हैं या गंदे पानी में खेलते हैं क्योंकि इससे उनका शरीर ठंडा रहता है, क्या ये सही है? अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं या सोना पसंद करते हैं, क्या ये सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ठीक है, क्या ये सही है? अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ती खा जाते हैं, कम ऑन जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर नहीं भी आता है तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देखते रहो, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। और टारगेट हमें पूरा करना है फ्रेंड्स, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, पूरे 114 लोग जितने भी अभी देख रहे हैं वो सारे के सारे शेयर कर दो एक बार और फिर से, 1 मिनट में। तहसीन जी क्वेश्चन जूम करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक शायद से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे मोबाइल में, मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सा है? 57 का है, 57 तो आया ही नहीं, 58 था उसका आंसर, 1 था। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर मैं इसको पहले भी देखा हुआ है कि एलिफेंट जो है वो हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? शाकाहारी है, ठीक है। शाकाहारी लोग क्या खाते हैं? पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं, तो ये शाकाहारी है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा इनके जो ये लोग ग्रुप में चलते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहते हैं, इस तरीके से ग्रुप में रहते हैं ये लोग, और इनके ग्रुप की लीडर कौन होती है? इस ग्रुप में जो भी ओल्डेस्ट फीमेल रहेंगी इनकी ग्रुप की लीडर रहेंगी, ठीक है। जैसे हमारे घर में दादियाँ होती है ना, ठीक है, दादा के बाद में उन्हीं की चलती है, दादी लोगों की, तो वैसे ही यहाँ पर में जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट रहेंगी वो ग्रुप की लीडर रहेंगी, ये आपको याद रखना है। मेल एलिफेंट जो है, जो यहाँ का मेल एलिफेंट है, वो झुंड में 14 से 15 साल तक रहता है, साथ में रहता है, फिर बाद में पता नहीं कहाँ जाता है। फिर वन एलिफेंट कैन ईट 100 किलोग्राम, और 1 किलो मतलब क्या होता है? 1 क्विंटल, ठीक है। तो 100 किलोग्राम जो है एक दिन के अंदर में एक एलिफेंट, एक एडल्ट एलिफेंट एक दिन में 100 किलोग्राम की पत्तियां खा जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली इनका इतना बड़ा शरीर होता है तो इनको इतना खाने की जरूरत तो पड़ती होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करते, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। हम में से जो ज्यादातर लोग होते हैं जो 10 10 घंटे सोते हैं, ठीक है, मम्मी उठाते रहती है, घर वाले उठाते रहते, उठते ही नहीं है, तो इन हमारे जैसे नहीं होते, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कैसे भी याद रख लीजिए लेकिन इसको याद रखिए, क्योंकि यही एक डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर ये याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि ये गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं ऐसे, ठीक है, बचपन की याद ताज़ा हो गई होंगी बहुत सारे लोगों की इस तरीके से, ओके, ताकि इनका जो शरीर है वो ठंडा रह सके। ओके, तो आपको क्या याद रखना है? शाकाहारी होते हैं, ओके, सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इट एलिफेंट लव टू प्ले विथ मडी वाटर एज देयर एज इट कीप्स देयर स्किन कूल। बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया कि गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं। मोस्ट एलिफेंट लाइक टू रेस्ट। अब देखिए ये सोना पसंद नहीं करते, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं यार, 10 घंटे थोड़ी सोते हैं हमारी तरह, तो ये गलत हो गया। अब जैसे ही आपको एक गलत पॉइंट मिल गया ना, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। देखिए इसके अंदर में 2 है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसमें भी 2 है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, समझ गए। अ 3 मंथ ओल्ड एलिफेंट वेज अबाउट 100 kg, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया कि 3 महीने का अगर एलिफेंट का बच्चा है तो वो 200 किलो तक का हो जाता है, तो तीसरा सही है। तो अब आप यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए आप लोग, यहाँ पर में ध्यान से देखना, यहाँ पर में कहीं पे भी 3 नहीं है, तो क्या ये आंसर हो सकता है आपका? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर में 3 सही है और ऑप्शन में तीसरे नंबर का स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहां पर मैं तीसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है वो तो है ही नहीं, ठीक है, सिंपल। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 एंड 4, क्योंकि मोस्ट एडल्ट एलिफेंट ईट अबाउट 100 kg या फिर 1 क्विंटल के बराबर का ट्विक्स खा जाते हैं, सिंपल है। चलिए थैंक यू वेरी मच, जितने भी लोग तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन देख ले, और ये क्वेश्चन सितंबर 2014 में पूछा गया था, मैंने 2 ही क्वेश्चन उठाए इस कंसेप्ट में से, मुझे एक क्वेश्चन और मिला था लेकिन मैंने वो लिया नहीं है, क्योंकि मुझे 20 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे। कम ऑन फास्ट, यहां पर मैं आपसे पूछा है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ये तो डायरेक्टली काट दो यार, हाथी आराम करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं, सिंपल है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, 2 क्विंटल मतलब 200 किलो, ठीक है, 200 किलो मतलब 2 क्विंटल, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर मैं 1 क्विंटल मतलब 100 किलो होता है, तो ये बिल्कुल सही है। वैस हाथी एक दिन में 2 क्विंटल खाते हैं, नहीं 2 क्विंटल नहीं खाते, 1 क्विंटल ही खाते हैं बेचारे, ठीक है, तो ये वाला गलत है, 2 क्विंटल नहीं खाते, यहाँ 2 की जगह 1 आना चाहिए था। हाथी दिन में 8 10 घंटे, अरे ये नहीं सोते भाई, कितने बार बता दिया कि नहीं सोते, पहले में भी बताया, चौथे में भी बताया, कितने बार बताएंगे इनको। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, समझ गए, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों का ये कभी भी गलत नहीं होगा। आगे बढ़े, और बेटा कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं करेगा कि सर सीधा सीधा पढ़ाया करो, कॉमेडी क्यों करते हो, ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना है वो छोड़कर जा सकता है, वरना ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल?
ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है? तो ये जो टाइप है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये आपके एग्जाम का, हर साल एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ठीक है? तो चलिए देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? एक चीज और बता दूं, 2019 में भी, 2019 की जो जुलाई की एग्जाम हुई थी उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। जिन लोगों ने लाइव सेशन देखा उनको पता होगा। नो फ्रेंड्स, आप लोग इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हो यार, आप लोग लाइक भी करते चलो। चलिए तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कौन कौन सी चीजें याद रखनी है मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि इस पर बेस्ड में क्वेश्चन और पूछूंगा आगे में। देखिए हांगकांग के अंदर में, ठीक है, हांगकांग आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में भी था हांगकांग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट की वजह से। तो यहां पर में स्नेक का मीट खाया जाता है, सांप का मांस खाया जाता है, जिसको लिंग हू फेन कहा जाता है वहां पर में, हांगकांग के अंदर में। तो सांप का मांस कहां पर में खाना पसंद करते हैं? हांगकांग के अंदर में। कश्मीर के अंदर में मस्टर्ड ऑयल के अंदर में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, मस्टर्ड ऑयल के अंदर में, ठीक है। गोवा के अंदर में कोकोनट ऑयल, ठीक है, खोपरे के तेल के अंदर में या नारियल के तेल के अंदर में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं गोवा के अंदर में, कोंकण के इलाके में। केरल के अंदर में टैपियो का खाना पसंद करते हैं एंड करी मेड ऑफ कोकोनट, ठीक है, फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। तो फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल प्लस टैपियोका, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अहमदाबाद गुजरात के अंदर में ढोकला चटनी, ये मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी कि अहमदाबाद और गुजरात में क्या देखने के लिए मिलेगा, तो ढोकला चटनी वगैरह, ओके। उसके बाद में आपको और याद रखना है बिहार, मिजोरम और आसाम के अंदर में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना। तो गोवा के अंदर में कोकोनट ऑयल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोवा, ठीक है। चलिए ये पूरा का पूरी फाइल आप लोग एक बार याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पिछले ही सेशन में करवाया हुआ है, देखते कितने लोगों ने इसको याद रखा है, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, इसके ऊपर में अब तक 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हनी बी के ऊपर में, ओके। 4 में से मैंने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया क्योंकि 20 ही क्वेश्चन की हमारे पास लिमिट थी आज, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में करवा दूंगा। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं, तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इज, कम ऑन फास्ट। चलिए तहसीन नाज ने क्लियर कंफर्म कर दिया कि इस तरीके का क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था वो आया हुआ था 2019 के एग्जाम में। थैंक यू जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको याद है क्वेश्चन तो कंफर्म कर देना, क्योंकि ये सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि हनी बी जो है फ्रेंड्स, सॉरी एक सेकंड फ्रेंड्स, पानी पी लूं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले लाइव सेशन में देखा था कि हनी बीज जो है वो लीची का जो फ्लावर होता है, लीची का जो फूल होता है, उसके आसपास में मंडराती है इस तरीके से। वहां से क्या करती है, वहां से वो शहद इकट्ठा करके अपने नेक्टर में चली जाती है, अपने अपने जो उसका छत्ता होता है मधुमक्खी का छत्ता, वहां पर में चली जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सही समय कौन सा होता है मधुमक्खी के अंडे देने का, वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। तो अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हो तो सबसे सही समय ही यही है। अगर आप इस समय में मधुमक्खी का पालन करोगे तो आपके पास में ज्यादा से ज्यादा अंडे रहेंगे। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि अंडे देने का काम किसका होता है, रानी मधुमक्खी का होता है, क्वीन बी का होता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ यहां पर में जो फीमेल है वही काम करती है, ठीक है, सिर्फ फीमेल्स काम करती है, और जो मेल है वो अलाल होते हैं हमारी तरह, सभी सभी मेल्स की तरह, ठीक है, वो काम नहीं करते। तो सिर्फ काम कौन करती है, जो वर्कर बीज कौन होती है, वो सिर्फ फीमेल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर में भी पूछा गया है। तो कौन कौन सी चीजें याद रखोगे आप, अक्टूबर से दिसंबर सबसे सही समय है, सिर्फ रानी मधुमक्खी अंडे देती है, मेल कोई काम नहीं करते, सारे के सारे जो है वो फीमेल काम करती है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थैंक यू रिचा कुमारी जी। मिथिलेश कुमार जी, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी मैं देख रहा हूँ साथ साथ में, और बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है वीडियो।
तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 मार्क किया वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मेरे को स्कोर बता देना कि 10 में से आप लोगों को कितना मिला है। ठीक है, 10 में से 10 मिला है, 10 में से मतलब 10 में से 9 सही हुए हैं, 8 सही हुए हैं, या फिर 5 सही हुए हैं, या 4 ही सही हुए। जो भी स्कोर हो मुझे टाइप करके बता देना, ठीक है। और आप लोग आगे में भी अपना स्कोर बढ़ाने का ट्राई करते रहो, कंटिन्यूअस लाइव देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और ये दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दो बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्या यह सही है? यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों में लटकी होती है, क्या यह सही है? इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। रेगिस्तानी इलाका है तो ऑब्वियसली अगर नहीं भी पता होता तो मैं इसको राइट मार्क कर देता, क्योंकि यहां पर मैं क्या बोला है, रेगिस्तानी बोला है ना, तो एक एजुकेटेड गैस तो आप लगा ही सकते हैं कि हाँ भाई जब तक पानी ना मिल जाए तब तक तो जड़ों में जाएगी, नहीं तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद में इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसका पानी पीते हैं। तीसरा तो सही है, चलिए हमने गैस कर लिया कि तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एलिमिनेट हो गया। थैंक यू मोहम्मद इनायतुल्ला जी। मोहम्मद वसीम जी वेलकम। चलिए बहुत सारे लोगों का 10 out of 10 आया, 10 out of 9, 8 मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत स्पीड में जा रहे हैं। मोइना विश्वास भी का भी 10 में से 10 सही आया है, बहुत सारे लोगों का आया, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन आप समझ जाना मैंने सबके नाम पढ़े हैं यहाँ पर मैं। ओके तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले डेजर्ट ओक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, नोट्स बना लो, मैं आपको जो जो बताता हूँ वो लिख कर रख लेना। इट इज फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर में ये पाया जाता है, सिर्फ वहीं पे पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता, ठीक है। इसकी जो जड़ें हैं फ्रेंड्स कम से कम 30 टाइम इसकी ऊंचाई के 30 गुना नीचे तक जाती है। मान लीजिए अंकुर सर जैसे पढ़ाते हैं ना आपको, वैसे मैं भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैथ्स पढ़ाने का, चलिए देखते कितने लोग समझते हैं। मान लीजिए कि इसकी लंबाई एक्स है, ठीक है, तो इसकी जड़ें कितनी लंबी रहेंगी, 30x तक, ठीक है, ऐसे ही होता है ना मैथ्स के अंदर में, है ना, अगर इसकी लंबाई एक्स है तो इसकी इसकी गहराई कितनी होंगी, 30x होंगी, तो ये 30 गुना गहराई तक इसकी जड़ें नीचे में जाती है इसके ऊंचाई के मुकाबले में, ठीक है। ये 10 से 15 फीट ऊंचाई तक जा सकता है, ठीक है, इसकी जड़ें जब तक अंदर जाती रहती है तब तक जब तक कि ये पानी तक ना पहुंच जाए, तो जब तक पानी मिलेगा नहीं तब तक ये अंदर जाती रहेगी। उसके बाद में फ्रेंड्स ये क्या करता है, पानी ऊपर लेकर अपने ट्रंक में स्टोर करके रख लेता है, यहाँ पर में स्टोर करके रख लेता है अपने खुद के लिए। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि बेचारे ने खुद के लिए अपने लिए स्टोर करके रखा है, हम पाइप डाल के इसके अंदर में वो पानी निकाल लेते हैं और हमारी प्यास बुझा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारी मदद ही कर रहा है एक तरीके से, तो इस तरीके की स्टोरी बनाकर रखते हो ना तब आसानी से याद रहता है। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ कि ये पेड़ था उसने अपने लिए पानी बचाया था लेकिन हमने पी लिया, उससे याद रखने में आसानी होती है, एटलीस्ट मेरे लिए तो ये टेक्निक काम करती है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, राजस्थान में नहीं, रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार के पेड़ की तने लटकी हुई होती है, ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं अभी तक, तो इसको होल्ड पर रखते हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी ना मिल जाए, बिल्कुल सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है, ठीक है, ट्रंक में पानी जमा होता है और वहाँ के जो लोग हैं वो पानी निकाल कर पी लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो 1, C और D सही है, A, C और D, तो A और A, C, D कहाँ पर में, ये है फ्रेंड्स आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 के अंदर में, ठीक है, तो A, C, D। तो आपने अगर ऑप्शंस इस तरीके से भी ढूंढ लिए, थोड़ा भी पता होना तो आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। मान लेते कि मुझे बी नहीं पता होता तो भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकता था, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नो फ्रेंड्स आधे से ज्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, 12वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डेजर्ट ओक के बारे में क्या सही है। आप देख सकते हो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, तो जो मैं करवा रहा हूँ वो बिल्कुल सही मेथड है फ्रेंड्स। रिपीटेड क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे जाते हैं। सितंबर 2014 का क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है, बताओ कहाँ पाया जाता है ये, राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या रूस। और फ्रेंड्स हमारा टारगेट से हम बहुत पास में हैं, आप लोग शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ और ज़्यादा लोग जुड़ सके और हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। 180 लोग हमारे साथ में अब तक जुड़ चुके हैं, 200 का टारगेट है, कंप्लीट कर दीजिए।
और लाइक भी करते रहिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, 180 लोगों देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है अब तक। आंसर करके एक बार शेयर कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और ज़्यादा मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो रेगिस्तानी ओक है, रेगिस्तानी ओक या डेजर्ट ओक, ये कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में पाया, सॉरी राजस्थान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रहेगा अब ये हमेशा। डेजर्ट ओक के बारे में आप कभी कंफ्यूज होने वाले हो क्या? बताओ जल्दी से, होने वाले हो आप कभी कंफ्यूज? बता देना मुझे। ओके, गुड, वेरी गुड सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग साइंस के साथ में पेपर दे रहे हैं, पेपर टू, ठीक है, साइंस के साथ में पेपर टू, उन लोगों के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13। तो ईवीएस साइंस दोनों में इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए। द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग इज ब्लैंक एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कौन से उसकी उसका जो गुणधर्म है वो क्या होता है, कौन सी प्रकृति का होता है? न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, या एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी होता है। आई थिंक इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का ये एक फ़ायदा है। मैं ईवीएस साइंस और सोशल साइंस, फ़ायदा ये हुआ है कि मैं ये भी पहचान पाता हूँ कि ईवीएस कौन से लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस और सोशल साइंस। तो चलिए अच्छी बात है, आज पता चला मुझे ये चीज़। गुड, आंसर आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के अंदर में खाना पचाने के लिए हमारे स्टमक के अंदर में एसिड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टमक के अंदर में एक मेन एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ओके, HCl, सॉरी एल छोटा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है, हमारे पेट में जो हम खाना खाते हैं उसको पचाता है, क्योंकि हम इतना जटिल खाना खाते हैं तो उसको थोड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है ना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो रस निकलता है उसकी प्रकृति क्या होती है? एसिडिक होंगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक तरीके का एसिड ही है ना, इसके नाम में ही एसिड है, तो बिल्कुल ये एसिडिक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अम्लीय या फिर एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है, दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दो क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के ऊपर में, अबू धाबी के ऊपर में। तो नोट्स बना लेना जो जो इंपॉर्टेंट बताओगे उसका। मोहम्मद इनायतुल्ला जी, बिल्कुल होगी अगर से सब कुछ सही चला तो। ओके, चलिए, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर आ गया है। यहाँ पर मैं बोला है कि अबू धाबी के बारे में क्या सही है, तो अबू धाबी जो है वो डेजर्ट एरिया में लोकेटेड है, बिल्कुल सही है, रेगिस्तानी इलाके में है ना। फिर अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, क्या ये सही है? आप लोग बताइए। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, क्या ये सही है? अबू धाबी की मुद्रा या फिर वहाँ के रुपए, ठीक है, वैसे हिंदी में बताने के लिए उसने रुपए बोला है, लेकिन मुद्रा, वहाँ की मुद्रा दिनार है, क्या ये सही है? दिनार है वहाँ की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, यहाँ पर मैं रेगिस्तानी इलाके में, ये तो सभी जानते हैं, पानी वहाँ पर में महंगा होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर में थोड़ा सा रेगिस्तानी इलाका है तो पानी नहीं होगा, पानी महंगा होगा वहाँ पर में, तो ए और बी तो सही है। तो जिसमें भी ए या बी नहीं है वो आपका आंसर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, मान लीजिए मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, ठीक है, तो भी क्या होता, मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बढ़ते, मेरे गलत होने के चांसेस कम हो जाते, 50-50 वाला आ जाता। पहले क्या था, 25% थे चांसेस, अब 50-50 हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखिए। तो फ्रेंड्स, डेजर्ट इलाके में अबू धाबी, बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैं कोई रेन नहीं होती, कोई लेक नहीं है, पानी नहीं है, रिवर नहीं है, पॉन्ड नहीं है, भाई ग्राउंड वाटर भी नहीं है यहाँ पर में। ठीक है, यहाँ पर में क्या है, इनकी ज़मीन के नीचे में बहुत सारा ऑयल है, कुआं खोदो, ठीक है, पेट्रोल निकालो, पानी गाड़ी में भरो, चलो, ऐसा नहीं होता है लेकिन, ठीक है, ऐसे आप डायरेक्टली नहीं भर सकते गाड़ी में, उसको रिफाइन करना होता है। तो वहाँ पर में बहुत सारा तेल है उनकी ज़मीन के नीचे में, इसीलिए क्या है, वहाँ का पानी जो है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा है, तो वाटर इज़ कॉस्टलियर देन पेट्रोल, ये याद रखना है वहाँ पर में। ये वैसे भी फ्रेंड बहुत बेसिक था, आप लोग इसको समझ सकते थे। ओके, वहाँ की करेंसी क्या है, दिरहम है, ना कि दिनार, देखिए दिरहम है ना कि दिनार, ये आप लोगों को याद रखना है। वहाँ की भाषा है अरेबिक, वहाँ पर में फ्रेंड्स सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है, रेगिस्तानी इलाका है, हमारे राजस्थान में भी बनते हैं सैंड ड्यून्स इस तरीके के, देखिए यहाँ पर में ये जो है सैंड ड्यून्स है, ठीक है, रेत के टीले जिनको हिंदी में कहा जाता है, रेत के टीले। तो
तो रेत के टीले यहाँ पर में पाए जाते हैं, ठीक है, अबू धाबी के अंदर में। ये आप लोगों को याद रखना है, डेजर्ट वाला इलाका है, पानी नहीं है, पानी 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 पेट्रोल से भी महंगा है, दिरहम करेंसी है, अरेबिक वहाँ की भाषा है, और यहाँ पर में सैंड ड्यून्स या फिर रेत के टीले बनते हैं। यहाँ पर में जो लोग हैं फ्रेंड्स, बहुत गर्मी होने के कारण कॉटन के कपड़े पहनते हैं इस तरीके के, ठीक है, तो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ताकि ये लोग ठंडी अपने आप को ठंडा रख सके, गर्मी से बचा सके। चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ये रेगिस्तानी इलाका है, सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है, बिल्कुल सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, बिल्कुल सही है, मिल गए, तीन ही ऑप्शन है। तो देखिए ए बी सी कहाँ पर में, ये है ऑप्शन नंबर 4 में, आपका आंसर हो गया। छोड़ दो सी, पता है नहीं पता है वो बात का मैटर है, ठीक है। दिरहम नहीं भी पता होता तो भी आसानी से निकल सकता था, क्योंकि पहले तीन सही है, ये कंफर्म पता है हमें। ओके चलिए नो फ्रेंड्स, हम बहुत पास में हैं हमारे टारगेट से, तो जल्दी से टारगेट पूरा कर दो, शेयर कर करके। जितने भी लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी शेयर करते रहना। महबूब आलम जी, आप ऐसे कमेंट करोगे मैं तो शर्मा जाऊंगा यार। चलिए कोई नहीं, तो फ्रेंड्स नीचे दिए गए शहरों, वैसे थैंक यू महमूद आलम जी, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ या रेत के टीले, ऐसे ऐसे रेत के पहाड़ बनते हैं जिनको रेत के टीले कहा जाता है, तो बताइए। सैंड ड्यून्स कहाँ पर बनते हैं, बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में या अबू धाबी में? देखते कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं, अभी अभी पूछा है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स खुशखबरी, अभी अभी फ्रेश क्वेश्चन है, जुलाई 2019 का फ्रेश क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो कि कितने इजी रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक्चुअल स्क्रीनशॉट लगा दिया ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाए। गुड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, अबू धाबी। अभी हमने देखा है रेत के टीले अबू धाबी में बनते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका है। क्या वापस आ गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितने लोगों ने मेरा पहला क्वेश्चन अच्छे से देखा हुआ है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। जब हमारी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कभी भी रिपीट होकर पूछेगा। चलिए टारगेट कंप्लीट हो गया है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब लाइक वाला टारगेट भी कंप्लीट कर दो यार, सभी लोग लाइक कर दो, पूरे 200 लोग। थैंक यू स्वाति जी, सरन सोना जी वेलकम, रिचा जी हर इसी दिन, आज का जो दिन है उसी दिन 6 बजे। गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को अब ये चीज़ याद हो गई है, ठीक है। जब आप लोग ऐसे आंसर करते हो ना तो मुझे लगता है मेरा पढ़ाना इतनी मेहनत जो है वो सार्थक हो गई है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये पीपीटीज बनाने में, इस तरीके से प्रेजेंट करने में, कहानियां बनाने में, ताकि आपको याद करवा सकूं। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत, गला दुखता है, तो आप लोगों ने सारी मेहनत जो है वो सफल कर दी, थैंक यू वेरी मच। जितने लोग ऑफलाइन देख रहे हो प्लीज़ आप लोग भी एक बार शेयर कर देना, ठीक है, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर कर देना, जो लोग लाइव सेशन के अलावा देख रहे हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के खाने खाना पसंद करते हैं लोग। हांगकांग के अंदर में सांप खाया जाता है, ठीक है, वहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं। कश्मीर के अंदर में भी हमने बात की है, गोवा के अंदर में हमने देखा कि कोकोनट ऑयल में तली हुई मछलियाँ, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर में ढोकला, चटनी, मिठाई, लेमन राइस, ये सब खाना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ओके सिंपल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो आप लोगों के सामने है, पहला ही है हमारी लिस्ट में, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस लिस्ट के बाहर में नहीं पूछेगा, लिख कर रख लीजिए। आपको बहुत सारी जगह पे बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स वही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्जाम में आती है, पिन टू द पॉइंट। ये एक लिस्ट है, एग्जेस्टिव लिस्ट है, इसके बाहर नहीं पूछेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, हांगकांग, ठीक है। थैंक यू ग्लेक्सियो ने जी, थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। मधुबनी चित्रकला के बारे में, इन चित्रों को बनाने में, अच्छा वैसे मैं बता दूं फ्रेंड्स इस टॉपिक के ऊपर में मधुबनी चित्रकला के बारे में 3 क्वेश्चन आए हैं, अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग, 3 क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रिपीट करके। जल्दी बताइए,
गुड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, देखिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए थी बस, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें पता होती ना, आप बहुत आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रोसेस, यहाँ पर मैं हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर मैं देखिए एक ऑप्शन बोला है, मधुबनी इज़ अ वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अगर किसी को पता है कि मधुबनी जो है वो राजस्थान नहीं बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, तो आप क्या करोगे, आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, सिंपल। तो जहाँ जहाँ पर में भी डी है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी डी है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, यहाँ भी डी है, आपका आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि फ्रेंड्स मधुबनी पेंटिंग एक जगह के नाम पर रखी गई है, मधुबनी नाम की जगह पर, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर में, वो बिहार में है, ना कि राजस्थान में। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों आदि के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, मछली आदि दिखाई जाती है, बिल्कुल सही है। अभी आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और मधुबनी नामक एक स्थान पर रखी गई है, और ये मधुबनी कहाँ पर है, ये है बिहार के अंदर में, ठीक है, सिंपल। तो ए बी सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे यही चीज़ें मैंने आपको बता दिया, बिहार में है, बिहार डिस्ट्रिक्ट के नाम पर रखा गया है, ये इस तरीके की ये चीज़ दिखाई देती है, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। सुशील राज जी, मैंने पहले ही भी बता चुका है कि ये हमारा रिवीजन क्लास चल रही है, अगर आपने पढ़ लिया है तो आप ये क्लास छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, सभी को स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैं हर जितने भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस, सभी की मैं रिवीजन क्लास ले रहा हूँ एक एक, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है, जितना भी हम पढ़ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैं एक बार आप लोगों के लिए रिपीट करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट याद हो जाए। मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिए हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं आपको 60 से 70 क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाए, इतनी इन्फॉर्मेशन इन वीडियोस, इन आज की वीडियो में दे रहा हूँ। 60 70 क्वेश्चन कवर हो जाए, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4। एक क्वेश्चन और देख लेते इसी के ऊपर में, मई 2016 का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मधुबनी इज ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ, नेम्ड आफ्टर अ विलेज इन द स्टेट ऑफ, वैसे ये विलेज नहीं होना चाहिए था, ये डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, माफ़ कर देते सिटी सीटेट वालों को, हो जाती है कभी कभी गलती। मधुबनी बताओ, मधुबनी एक पारंपरिक कला है, तो ये कहाँ से है, ये जो जो प्लेस के ऊपर में नाम रखा गया है वो कहाँ पर में है। कितने लाइक्स हो गए देख ले थोड़ा सा, जब तक आप लोग आंसर कर रहे हो। चलिए चलिए, मंजू गुप्ता जी, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि रिवीजन कितना ज़रूरी है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। चलिए आशा रानू जी को मेमोराइज हो गया, गुड, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, सब लोग बिहार बिहार आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी 191 या फिर जितने भी लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल में, उन सभी का, सभी को ये कंसेप्ट याद हो गया होगा, आप कभी नहीं भूलोगे। अगर पेपर में याद आ जाएगा, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये लाइव सेशन याद आएगा और आप लोग पक्का सही करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इट इज एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन स्टैगनेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीदिंग ऑफ मॉस्किटोज, दिस इज बिकॉज, मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालकर डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। चलिए अभी जिसको मैंने डांटा था उन्होंने डिसलाइक करके चले गए, कोई बात नहीं। गुड। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं, आई होप आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए, गुड गुड वेरी गुड। तो फ्रेंड्स मच्छरों की रोकथाम के लिए हम ये पानी क्यों डालते हैं, तो देखिए यहां पर मैं, मच्छर जो है वो रुके हुए पानी में अपने अंडे देते हैं, फिर वो अंडे से बनते हैं लार्वा, लार्वा से बनते हैं मच्छर, ठीक है। तो मच्छरों की रोकथाम के लिए हम यहाँ पर में ऑयल इसीलिए डालते हैं ताकि इनके बीच में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाए, ठीक है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मच्छरों ने यहाँ पर में अपने अंडे दिए, सपोज आपने अगर यहाँ पर में ऑयल डाल दिया, तो आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि ऑयल जो है वो यहाँ पर में ऊपर के अंदर, ऊपर में तैरने लगता है, ठीक है, आप लोग जानते हो ये। तो क्या होगा, हवा में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका और ये जो वाटर है इसके बीच का संपर्क टूट जाएगा, है ना, यही होगा। इस वजह से क्या होगा, ये जो लार्वा है इनके बेचारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये मर जाएंगे वहीं पे, ओके। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को याद रखना है कि हम क्यों डालते हैं यहाँ पर में, ऊपर में तेल क्यों डालते हैं, ताकि यहाँ पर में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाए, हवा का सप्लाई रुक जाए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4,
तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, प्रिया पवार जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी इतना फर्क नहीं पड़ता यार, जितने जिन बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ते हैं, कुछ निगेटिव तत्व होते ही है हर जगह पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पर में सही होता है। और जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर देना, देखते हैं कि क्या हमारा लाइव सेशन में ही जो लाइक का रेशियो है वो 200 पहुँच सकता है। वैसे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ, इस टॉपिक में से 6 क्वेश्चन अब तक पूछे गए, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, मैंने एक पूरा लाइव सेशन इसके ऊपर में लिया हुआ था, 6 क्वेश्चन के ऊपर में। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। तो आप देख सकते हो रिविजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने कर लिया, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपके 6 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज का, अच्छा ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, ये याद रखना, फ्रेश क्वेश्चन है ताकि थोड़ा आप लोग मोटिवेटेड फील करें, ताजा ताजा क्वेश्चन है। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग, कांसा मतलब होता है ब्रॉन्ज, उसका उपयोग होता है। तो कांसे के विषय में कौन सा कथन सही है ये बताना है। बेसिकली आपसे ये पूछा है कि कांसा कौन सी धातुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, कांसा कौन सी चीजों से बनाया जाता है, ब्रॉन्ज। देखते कितने लोग आंसर कर रहे हैं यहां पर मैं सही। गुड गुड, बहुत सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को, अगर आपकी इच्छा है तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, जल्दी टाइप कर दीजिए अगर एक्सप्लेन करना है तो। गुड, प्रिया पवार जी के 20 में से 20 सही हो, गुड वेरी गुड। चलिए तो फ्रेंड्स, एलॉय, एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय मतलब ऐसी ऐसा चीज़ें होती है जो कि दो मेटल या फिर दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल को मिलाकर बनाई जाती है। मान लीजिए कि ये एक मेटल या नॉन मेटल है और ये एक मेटल या नॉन मेटल है, ए और बी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपने इनको एक प्रोपोर्शन में मिला दिया, ठीक है, एक सही प्रोपोर्शन में मिला दिया आपने, अनुपात में मिला दिया, तो एक नई नई चीज़ बन जाती है, एक एलॉय बन जाता है नया, जिसको हम हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, बहुत सारे हमारे पास में एलॉयज है, उसमें से दो एलॉय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक है ब्रॉन्ज और एक है ब्रास। ब्रास मतलब होता है पीतल, ठीक है, और ब्रॉन्ज मतलब होता है कांसा। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा नोट डाउन करके रख लो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक नोट्स बना लो और उसको बार बार रिवाइज कर लेना। ब्रास जो है फ्रेंड्स जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है। ठीक है, जिंक और कॉपर से मिलकर, ठीक है, ये या आपको याद रखना है, जिंक प्लस कॉपर। ठीक है, 30% जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। अगर आपने इसको सही अनुपात में मिला दिया तो आपको एक नई मिश्र धातु मिल जाएगी, पीतल या फिर ब्रास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्रॉन्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांसा जो है वो मानव इतिहास में इस्तेमाल किए जाने वाला मोस्ट प्रोबेबली पहला मिश्र धातु है। हजारों सालों से आदिवासी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हजारों सालों से मानव को कांसे के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में पता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम कॉपर और टिन को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज या फिर कांसा। ठीक है, तांबा और टिन को अगर आपने सही अनुपात में मिला दिया तो आपकी एक नई मिश्र धातु बन जाएंगी, ब्रॉन्ज। ठीक है, ये याद रखिए, ये एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हल्की होती है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इट इज़ सॉरी हैवियर होती है, भारी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एल्यूमिनियम हल्का होता है, ये बोलना चाहता हूँ मैं कि एल्यूमिनियम जो है वो ब्रॉन्ज से हल्का होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ब्रास जिंक और कॉपर। ठीक है, उसके बाद में ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं उसकी लिस्ट बना दी है, आप प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन करके रख लेना ताकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको सही आंसर दे पाए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अच्छा डिसलाइक रिमूव हो गया है, चलिए थैंक यू वेरी मच भाई जिसने भी किया था रिमूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो अब मुझे बताइए, अच्छा अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, चलिए ठीक है कोई नहीं, आप लोग इसका भी आंसर कर दो। गुजरात, वैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, गुजरात अहमदाबाद में अगर आप गए तो आपको क्या खाने मिलेगा बता देना यार, गलती से आ गया ये क्वेश्चन 21वें नंबर का। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहो, चलो देखते थोड़ी देर तक कर लेते और थोड़ा लंबा लाइव सेशन। ढोकला विथ चटनी, अच्छा ये तो आते ही जा रहे हैं यार क्वेश्चन, कोई नहीं फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन हैं और 1 घंटा लगभग कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग चाहो तो फ्रेंड्स मैं बाद में और लाइव सेशन ले लूँगा, ठीक है,
आप लोग तो देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में अभी रिजर्व में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर में लाइव सेशन रोक देते हैं। हमने 20 क्वेश्चन कमेंट किए थे कमिट किए थे, अब हम लोगों ने यहाँ पर में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं पक्का आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से आपका स्कोर बता दीजिए, कितना स्कोर आया है सभी लोग, जितने भी लोगों ने यहाँ पर में अटेम्प्ट किया हुआ है वो जल्दी जल्दी से स्कोर टाइप कर दो। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी स्कोर टाइप कर देना। स्वाति जी, थोड़ा समय हो गया है, ऑफिस बंद होने का समय हो गया है 7 बजे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे अगर सभी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बार बार शेयर करते रहिए, मैं पक्का इसके ऊपर मैं सेशंस लूँगा। तो कमेंट करके बता देना फ्रेंड्स, ठीक है, जितने भी लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग, हाँ बिल्कुल, PDF फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक मास्टर PDF प्रोवाइड करूँगा एग्ज़ाम के 5 दिन पहले, उसके लिए डोंट वरी। गुड, आकांक्षा तिवारी जी, इतना जल्द इतने सारे क्वेश्चन 1 घंटे में कवर कराना है तो जल्दी जल्दी तो बोलना पड़ेगा। चलिए, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना फ्रेंड्स, जहाँ आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ओके, अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, तो आप edutap.co.in पर जा सकते हो। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, आज आखिरी दिन है, आपको पता होगा जो भी आपको कूपन प्रोवाइड किया गया है, अंकुर सर और सोनिया मैम ने आपको बता ही दिया होगा आई होप। ठीक है, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हो तो आज आप लोग परचेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ डालना भूल गया, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच सभी को, जो भी लोग अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलते हैं फ्रेंड्स।